आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी ऑफिस में सूचना प्राप्त करने हेतु कैसे प्रपत्र को भरेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन्हें प्रपत्र को का फॉर्म होगा वो उसे अपना निर्देश अनुसार भर लेंगे, जिन्हें नहीं है वो अपना सादा कागज़ पे इसी तरह लिख लेंगे। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली प्रपत्र को नियम 3(1) सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र आईडी संख्या ये खाली छोड़ देंगे, कार्यालय में ये जहाँ भेजा जाता है उसके प्रयोग के लिए है। सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी सह पुलिस अधीक्षक लिख देंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंधित जिला का नाम लिख देंगे, अपने पुलिस जिला का नाम, आवेदक अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे, पिन कोड अवश्य देंगे। मांगी गई सूचना मैंने किसी घटना से संबंधित एफआईआर की प्रमाणित छाया प्रति की मैंने मांग किया है, इसलिए आप लोगों को जो भी कागजात चाहिए अपना पॉइंट टू पॉइंट यहाँ सूचना मांगने के लिए लिख देंगे जो आपको चाहिए। और 4 नंबर में लिखेंगे मैं एदत द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके विभाग या लिख देंगे कार्यालय से संबंधित है। इसमें 10 रुपये का शुल्क लगता है, तो आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या नॉन जुडिशियल स्टाम्प के द्वारा या नगद या आप चेक के द्वारा भी फी जमा करा सकते हैं, प्रायः पोस्टल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार लिख देंगे चूँकि मैं 2 आवेदन प्रेषित किया था इसलिए 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिया है, लेकिन आप लोग 10 रुपये का देंगे, ठीक है। तो इसी तरह लिख देंगे मैंने 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर तिथि जिस तिथि को भरेंगे उस तिथि का नाम को रसीद संख्या उसमें डाल देंगे, पोस्टल ऑर्डर में रहता है, से विभाग या कार्यालय को भुगतान किया है, अपना हस्ताक्षर लिख देंगे, अपना पूरा पता या मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं दे देंगे, जिस स्थान से आप मांग रहे हैं सूचना स्थान जिला का नाम लिख देंगे, अपना तिथि लिख देंगे। इस प्रकार आप प्रपत्र को भर के आप सूचना एसपी कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मांग सकते हैं। और लिफाफे में इसी प्रकार लिख देंगे टू या सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी सह पुलिस अधीक्षक जिला का नाम, अपना पिन कोड सहित दे देंगे, फिर इधर अपना पूरा पता लिखेंगे। इस प्रकार पोस्टल ऑर्डर भरा जाता है, आप लोग देख देंगे, लोक सूचना पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक मधेपुरा, जहां ये पोस्ट ऑफिस है इनका वहां ही मधेपुरा है, तो मधेपुरा जिला से संबंधित हैं, यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे। इधर भी आप लोक सूचना पदाधिकारी या PIO पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंधित जिला का नाम लिख देंगे, ये क्रॉस कर देंगे, ये जो है इस तरह 2 को क्रॉस कर देंगे, फिर डेट लिख देंगे, ये रसीद संख्या उसमें देंगे, ये आधा जो है इस तरह कट करके ये अपने पास रख लेंगे, इसको प्रपत्र को के साथ लगा के आप लोग भेज देंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे इसमें उस सबका फोटोकॉपी करा के आप लोग अवश्य रख लेंगे, जिससे आगे अपील या किसी भी तरह की शिकायत करने में और साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके। आप लोग देख लें, ये हम इसी प्रकार ही ये आधा पोस्टल ऑर्डर का रखा जाता है, पास में रख लेंगे। आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह एसपी कार्यालय से भी सूचना की मांग की जा सकती है और 30 दिन के अंदर यह सूचना प्रदान की जा सकती है। किसी किसी मामले में स्वतंत्रता जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होने के कारण मैंने यदि कोई सूचना मांगते हैं तो वो 48 घंटे में उपलब्ध कराए जाने का नियम है, जिन्हें अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो वो अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील इनके वरिष्ठ पदाधिकारी के यहाँ होगा, DIG साहब के यहाँ इनका अपील होगा यदि 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है। उपयोगी लगे तो शेयर अवश्य करेंगे एक दूसरे को, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को सो समय मिलता रहे। अपना बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। जय हिंद।